आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के आदमपुर में मेक इंडिया नंबर वन की यात्रा के दौरान ये कहकर लोगों के दिलों को जीत लिया है कि अगर हरियाणा को ना बदल दूं तो लात मार कर निकाल देना। जिसके बाद यात्रा में केजरीवाल जी के नाम की जय जयकार होने लगी और नायक फिल्म के अनिल कपूर के जैसे ही लोगों ने अरविंद केजरीवाल की फोटो लगे पोस्टरों और बैनरों को लोगों ने खूब लहराया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जो आपको देखना चाहिए। आप एक बार वीडियो देखिए और समझिए कि हरियाणा में कैसे केजरीवाल भाजपा को डहाने वाली है। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब साथ ही केजरीवाल ने यात्रा के दौरान कहा कि आदमपुर उपचुनाव में जीत 2024 में हरियाणा में आपकी सरकार बनाने का द्वार खुलेगी। ये उपचुनाव हरियाणा विधानसभा चुनाव का ट्रेलर होगा। आदमपुर हमारा गेट होगा और उस गेट के जरिए हम आम आदमी पार्टी 2024 में हरियाणा में सरकार बनाएगी। आगे अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रखते हुए कहा कि दिल्ली मेरी कर्म भूमि बनी। एक ही बात कहना चाहूंगा कि मैं हरियाणा से जहां भी गया कभी आपका सिर मैंने झुकने नहीं दिया, हरियाणा का सिर ऊपर ही रखा कि मैं पूरी दुनिया में स्कूल और अस्पताल ठीक करते घूम रहा हूँ, पूरी दुनिया की बिजली मुफ्त करते घूम रहा हूँ। हरियाणा वाले आप भी मेरे से करा लो, मेरी ये जन्मभूमि है, मेरा अपना ही गांव है, मैं हरियाणा के सरकारी स्कूल भी ठीक कर दूंगा, मुझे करने आते हैं। केजरीवाल ने कहा कि मैं जनता का पैसा जनता में ही बांट रहा हूँ, मेरे पास क्या है, मैं पकड़ आदमी हूँ। इन्होंने CBI और ED भी भेज ली लेकिन कुछ नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल ने आगे ये दावा करते हुए कहा कि 2 साल बाद हरियाणा का विधानसभा चुनाव है, आप अपने लाल को एक मौका देकर देख लो, हरियाणा को ना बदल दूं तो मेरे को लात मारकर हरियाणा से बाहर भगा देना, मैं दोबारा हरियाणा में नहीं आऊंगा। आदमपुर विधानसभा का उपचुनाव 3-4 महीने बाद है, अभी आपका जो मौजूदा विधायक है वो पिछले 24 साल से विधायक है, उसने कुछ अच्छा काम किया हो तो उसको वोट दे देना और अगर नहीं किया हो तो इस बार अपने को परिवर्तन लाना है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि रोटी कपड़ा पंखा बिजली दही शहद गेहूं चावल पर भी टैक्स लगता है, बस हवा ही बाकी है, एक बार और ये सरकार में आ गया तो उस पर भी टैक्स लग जाएगा। केंद्र सरकार ने अपने दोस्तों के अरबों खरबों के कर्जे माफ कर दिए, इन्होंने आपके टैक्स के पैसे से अपने दोस्तों के 10 लाख करोड़ रुपए के कर्ज माफ कर दिए। मैं अगर कुछ भी झूठ बोलूंगा ये मेरे ऊपर केस कर देंगे, मैं पढ़ा लिखा इनकम टैक्स का आदमी हूँ, मैं इनके चोरी चकारी सब समझता हूँ। इस खबर में सिर्फ इतना ही, वहीं ऐसी और भी खबरें पाने के लिए जुड़े रहें MIM News Express के साथ।